दलित पिछड़ा सभी के साथ वो मजाक कर रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा हम भी मस्ती कर ले भाजपा वाले से, और हम देखते रहे कि कितना उनको मिर्ची लग रहा है, हम समझ में आ रहा है। बना दे कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आप को रिजाइन दे और एक किसी निषाद को बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। और आते समय हम खा रहे थे तो सोचे कि पहले देखो वीडियो बना ले, नहीं तो इस पर भी ऑब्जेक्शन उन लोगों उठाएंगे। आप सब देख ही रहे हैं जिनको की राजनीति करना चाहिए वो बिहार में लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। जो जरूरत है समस्या है उसके ऊपर एड्रेस नहीं करेंगे, हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो भाई कल हमको क्षेत्र में जमुई की जनता ने हम लोगों को संतरा दिया, और आते समय हम खा रहे थे तो सोचे कि पहले देखो वीडियो बना ले, नहीं तो इस पर भी ऑब्जेक्शन उन लोगों ने उठाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ अभी वो लोग बांटने लगा है कि ये कलर मेरा है तो वो कलर आपका है, ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते। तो हम लोग थोड़ा सोचे कि थोड़ा मस्ती कर लेते हैं भाजपा वाले से, क्योंकि भाजपा वाला तो बिहार के युवा, देश के युवा, गरीब, किसान, मजदूर सभी के साथ मजाक कर रहे हैं। उनको बोले थे कि 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। बोले विदेश से काला धन लाएंगे, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था किसान का आय दुगुनी करेंगे, नहीं किए। तो जब बिहार और देश के युवा, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा सभी के साथ वो मजाक कर रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा हम भी मस्ती कर ले भाजपा वाले से, और हम देखते रहे कि कितना उनको मिर्ची लग रहा है, हम समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग मुद्दा की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा वो पूरा नहीं कर रहे, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, एक एक लोगों को बता रहे हैं, तो यही सब कर रहे हैं। और रहा कि थोड़ा फ्री बैठे थे तो हम लोग थोड़ा मस्ती कर लेते। आज मुंगेर में कार्यक्रम है और जमुई में है, 2 जगह कार्यक्रम है और दोनों जगह जा रहे हैं, सब अपने लोगों से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। मुकेश अनिल जी, मीसा भारती ने कहा है कि पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं तो हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, और इस बार देश को इंडिया अलायंस बनाने का अगर मौका मिलता है तो पीएम मोदी बीजेपी नेताओं तक तो सलाखों के पीछे मत रहो। देखिए भ्रष्टाचारी का तो बात तो अभी समझ लीजिए कि जिस तरीके से भाजपा ने एक पैटर्न बनाया कि लोगों को बॉन्ड के जरिए पैसा का उगाही करने का, ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और आप देखिए ना, अपने आप को कहते हैं हम सनातन हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, और बीप कंपनी से 250 करोड़ रुपये का चंदा ले लिया, वो कंपनी जो जहाँ हजारों लाखों पशु को काटा जा रहा है उस कंपनी से पैसा लिया ले रहे हैं। और ऐसा है कि ईडी का नोटिस, सीबीआई का नोटिस भेज देते हैं और उससे उगाही करते हैं, किसी को 100-500 हज़ार करोड़ रुपया का काम दे देते हैं, टेंडर दे देते हैं और वहाँ से पैसा उगाही करते हैं। तो भ्रष्टाचारी तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का पैटर्न बना दिए। रहा कि मंच पे आ रहे हैं तो मंच पे जनता की बात कीजिए, रहा कि गाली देना विपक्ष को, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जब भी आए, मोदी जी आए, गृह मंत्री जी आए, वो लोग जब भी आते हैं तो जनता की बात करें, जनता की समस्या की बात करें। रहा कि विपक्ष को गाली देने का, वो तो कभी भी दे सकते हैं, उनको परेशान करने का, वो तो कभी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए निश्चित तौर पे जब वो लोग बदले के भावना से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे गलत जो वो लोग भी कर रहे हैं, आने वाले समय पर उन लोगों को भी देखा जाएगा और न्याय किए करेंगे। उतरे थे आज उनको दूसरे लोग प्रमोट किया, आज जैसे ब्रजभूषण चौधरी को मुजफ्फरपुर में लोकसभा सीट दिया गया, वो कभी हमारे पार्टी का पदाधिकारी था और हमने उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया था, उसका देन है। तो आज कोई चेहरा नहीं है, समाज को सब पता है, बिहार को पता है। हाँ, कुछ लोग जबरदस्ती बनाने का कोशिश कर रहा है तो उन बनाए, अच्छी बात है, खुशी बात है कि बनाए, बना दे कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आप को रिजाइन दे और एक किसी निषाद को बेटा को मुख्यमंत्री बना दे, तब हम समझेंगे कि हाँ सही है। निषाद का जो आरक्षण है वो लागू कर दे भारत सरकार से, आरक्षण देंगे नहीं समाज को गुमराह करेंगे और चेहरा बनाने के लिए आ रहे हैं। तो अगली बार टिकट भी मिले ये पूछ लीजिएगा उनको, टिकट मिलेगा क्या।